तो स्टार्ट करते हैं। चार चीज़ें हमने की थी, पहली फोर्स, फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। फोर्स का फॉर्मूला पता है, वेक्टर है, ई वेक्टर है, एनर्जी स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर है। इसके न्यूमेरिकल अब हम एक एक कैटेगरी करते जाएंगे, इसके न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करने हैं उसको एक बार देखते हैं। तो कॉपी ओपन करो प्लीज़। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो एग्ज़ाम्पल है, लिखें ग्रेविटेशन फोर्स का। मान लो ये एक स्क्वायर है, बनाओ साथ साथ भाई, बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं करना। MMAA MMA, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के सेंटर पे नेट फोर्स बतानी है क्या होगी, ये आपका पहला क्वेश्चन है। स्क्वायर के सेंटर पे नेट फोर्स क्या होगी, आपका पहला क्वेश्चन है। और स्क्वायर के सेंटर पे एक मास पड़ा हुआ है, कितना, m। आंसर किस पे फोर्स निकालनी है, m पे। सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं, m पे। बताओ इस m से पूछो तेरे को कौन कौन खींच रहा है, ये कहे मेरे आस पड़ोसी खींच रहे हैं, पहला पड़ोसी कौन है, ये रहा। तो m ये देखो ये रहा, ठीक है। तो इसमें वैल्यू क्या आएगी इसकी, जी एम एम बाई ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर। इतनी फोर्स से खींच रहा है, f की वैल्यू है, ये मास से खींचेगा। किसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है, इस पे। तो सारे वेक्टर इस पे, कोई डाउट इसमें। फिर m से पूछो और कौन खींच रहा है, ये कहेगा जी ये वाला मास भी मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है बाय सेम फोर्स f। हाफ डायगनल ए बाय रूट टू होता है मैथ्स में, और ये मास भी इसे खींच रहा है, ये लो f, और ये मास भी इसे खींच रहा है फोर्स f। तो फिर हुआ क्या, ये वेक्टर इसे क्या कर जाएगा, कैंसल, और ये इसे क्या करेगा, कैंसल। तो फिर नेट आंसर क्या आएगा, सेंटर पे जीरो। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, तो सारी फोर्सेस कैंसल, आपके पास ये आंसर आएगा। ये लो, यहाँ पर कोई मास नहीं है, स्क्वायर है, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर पे एम मास पड़ा हुआ है, आपको नेट फोर्स बतानी है सेंटर पे क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ना, वेक्टर है, वेक्टर दो मास है, हाँ उन्होंने चेंज किया, दो मास है, हा? वेक्टर आएगा, स्क्वायर है भाई, 45 दो ही है। ये पॉइंट समझ आया, पहला पहले फिगर क्लियर है, फर्स्ट का नेट जीरो है। तो इसमें नेक्स्ट जो है आपका, मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में ये मास इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला मास भी इसे अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आस पड़ोस के जो मासेज हैं इसे अट्रैक्ट करेंगे, और फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसकी फोर्स की वैल्यू होगी जी एम एम बाय ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर। ये वैल्यू होगी, क्या है पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो जो फोर्स इधर होगी वही फोर्स इधर होगी, और ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप चेक कर सकते हो। तो इसका नेट आंसर कहाँ होगा, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नेट फोर्स डाउनवर्ड होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू रूट टू एफ, और एफ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जी एम एम बाय ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर। और नाम लिख देना सेंटर सी, और मान लो ये पॉइंट बी है तो लिख लेना अलॉन्ग सी बी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन भी मैंशन कर दो। समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ज़्यादा है, फोर्स का तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बाकी सारा काम तो वेक्टर से ही हो रहा है।
ठीक है यहां तक? ठीक, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट है सपोज ये मास M है, ये मास M है, ये A है, ये A है, ये M है। आपको इस पॉइंट पे, जो A पॉइंट है, इसके ऊपर बताना है नेट फोर्स कितनी है ए के ऊपर। अब क्योंकि फोर्स ए के ऊपर निकालनी है तो कौन लगाएगा? पड़ोस के मासेस। देखो कैसे लगाएंगे, वेक्टर ड्रॉ करो, कौन किसे कैसे खींचेगा बोलो। सबसे पहले ये बताओ इस मास को ये खींचेगा? रिपेल तो करेगा नहीं, अट्रैक्ट ही करेगा। तो वेक्टर कहां बनेगा? ऐसे। और ऐसे ये मास भी इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे। तो ये है फोर्स एफ, और एफ की वैल्यू क्या होगी? जी एम एम बाय ए का स्क्वायर, राइट। अब दो वेक्टर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एंगल इनके बीच में कितना बनेगा? 60। एंगल 60 है, और एंगल 60 है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से वेक्टर ड्रॉ करो, ये क्या आएगा? इसका नेट फोर्स की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से जो नेट फोर्स आएगी उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ एफ का स्क्वायर, टू एफ एफ कॉस 60, या फिर अंडर रूट ऑफ टू एफ का स्क्वायर, कॉस 60 क्या है? हाफ। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3 एफ का स्क्वायर √3f, और f आप निकाल चुके हो। जी एम एम बाई ए का स्क्वायर इज द आंसर, और डायरेक्शन कहां पर? बी पॉइंट मार्क कर लेना, अलोंग ए बी कर लेना आंसर। सही है, सारी गेमों वेक्टर है, ग्रेविटेशन तो नाम का ही है, बाकी खेल तो वेक्टर का ही चले जा रहा है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि नेट फोर्सेस को निकालना इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है यहाँ तक? तो आई होप फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे लग रहा है। ठीक है, बेसिक फोर्स क्लियर है। मतलब फोर्स की प्रॉब्लम अगर आपने बिना वेक्टर के की, गारंटेड गलत होएगी, क्योंकि देखो तो सही आंसर कैसे चेंज हो रहे हैं। तुम ओवरली तो कर ही नहीं सकते, तुम्हें वेक्टर तो ड्रॉ करने ही पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्लियर है इसका, फोर्स का। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं फील्ड। ये लो तो एग्जाम्पल है इसके, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, जिसका सिंबल क्या है? ई ई। तो पहला क्वेश्चन है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ए साइड का, ये मास है, सेंटर है, आपको नेट ई बताना है एट सेंटर। जहाँ ई निकालते हैं वहाँ मास क्या एज्यूम करते हैं? वन। याद है, वहाँ मुझे मास चाहिए नहीं होता, वहाँ एज्यूम कर लेना है वन मास है, तो वन एज्यूम कर लें, जीरो।
ठीक है, तो देखो जहाँ मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, ई की, वहाँ मास क्या एज्यूम करेंगे, वन। शुरू करें, जहाँ पे ई निकालना है उसके आस पड़ोस के मासेस ई लगाएंगे, वो खुद तो क्या ही लगाएगा, तो ये मास इसे अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो बोलो ई का फॉर्मूला क्या लगेगा इस पे, जी एम बाय ए बाय रूट टू का होल स्क्वायर, इधर ही लगेगा, ये डिस्टेंस ए बाय रूट टू है ना, सही। ऐसे ही ये वाला मास इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, लेकिन वैल्यू ई की विल रिमेन सेम, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर आपस में कैंसल। उसी तरीके से ये वाला मास इसे खींचेगा बाय अप्लाइंग ई, और ऐसे ये वाला बाय अप्लाइंग ई, ई एंड ई कैंसल, तो नेट ई की वैल्यू सॉल्व करके क्या आएगी, जीरो। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक भाई? जब फोर्स जीरो है तो फिर ई भी तो जीरो ही होगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेथड सेम ही है, मेथड में फर्क नहीं है, मेथड एक जैसा ही मेथड चल रहा है इसमें। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इसमें? जैसे एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, ये लिख लिया ना। नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लो ये मास है एम, ए, ये ए, ये मास एम, दो मासेज हैं कॉर्नर पे, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये रहा आर। आपको यहाँ पे ई निकालना है, नेट क्या होगा, क्वेश्चन है। ई की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे नेट ई निकालना है क्या होगा, हाँ उस ऊपर वाले पॉइंट पे ई निकालना है। रूल नंबर वन, जहां ई निकालना है वहां मास वन लिख लेना है, सही है। कौन लगाएगा ई, पड़ोस के मास से ई लगाएंगे। देखें पहला पड़ोसी क्या लगा रहा है, ये रहा एम, तो ये एम इस वन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ई भी अट्रैक्टिव होगा इस तरफ, जहां फोर्स है वहां ई है, एक ही बात है। तो ई की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, इसे ज्वाइन कर लो कोई बात नहीं, ये लो, तो ई की वैल्यू क्या आएगी, जी एम, अच्छा ये बताओ ये डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, सही है, पाइथागोरस से डिस्टेंस आ गया, तो ई लगा लिया जी एम बाय आर स्क्वायर। स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो इस मास ने इसे क्या किया, अट्रैक्ट किया, और ऐसे ये मास भी इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो विद सेम वैल्यू ई, सेम वैल्यू ई है, इधर से ये ई है, इधर से ये ई है, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है, अब प्रॉब्लम ये है कि दो ई आ गए, इनकी नेट ई की वैल्यू निकालनी है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है नहीं, कि एंगल मुझे गिवन है, एंगल तो गिवन ही नहीं है, तो मैं पैरेललोग्राम अगर तब ड्रॉ करूँ जब एंगल पता हो। तो ऐसे केस में एक और तरीका यूज़ करूँगा, और वो तरीका क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। कैसे, रेजोल्यूशन के हिसाब से इस ई वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले अज्यूम करूंगा ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल भी कितना है, बाईसिमेट्री, थीटा। तो इस ई के दो कंपोनेंट्स हैं, एक, और हाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, ये थीटा तो अल्टरनेट एंगल से ये थीटा, ये थीटा तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा थीटा, क्लियर है यहाँ तक? तो इधर से वो थीटा, इधर से ये थीटा, ई के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, ई कॉस थीटा, और इस तरफ कितना, ई साइन थीटा। ऐसे ई के ये कॉम्पोनेंट्स हैं, इस तरफ ई कॉस थीटा और इस तरफ ई साइन थीटा, ये कॉम्पोनेंट और ये कॉम्पोनेंट की वैल्यू सेम है, दो वेक्टर कैंसल, नेट ई की वैल्यू, नेट ई की वैल्यू डाउनवर्ड टू ई साइन थीटा। अब ई की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, जी एम बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साइन थीटा देखो किसी भी ट्राइंगल में साइन थीटा बोलो क्या होगा, आर अपॉन दिस, तो इस ट्राइंगल से निकाल लो आर बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये तो खैर कट ही गया यहाँ से, तो टू जी एम इन टू आर, और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू, क्योंकि इसकी पावर हाफ है, इसकी वन है, मल्टीप्लाई कर लेना। मेथड समझ में आ रहा है, मतलब बिना वेक्टर के तो भूल ही जाओ ई होने वाला है, और लगेगा कि हो जाएगा, होगा नहीं,
तो जब तुम ई के न्यूमेरिकल करोगे अलर्ट होके करना, तुम्हें वेक्टर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ नॉर्मली एंगल नहीं गिवन होता, देखो मर्जी है, अगर पैरेललोग्राम लग रहा है ठीक है, नहीं लग रहा तो रेजोल्यूशन तो है ही, दो तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका ही नहीं है। आज का लेक्चर जो चल रहा है, तो मेरे से लास्ट ईयर का आईडी, इस साल का आईडी ले लो प्लस टू का, प्लस टू के पहले 15 दिन एनसीईआरटी के ये हैं, 15 दिन कह रहा हूँ मैं, जो आधा पौना घंटा चलेगा, और जो आगे आधा पौना घंटा चलेगा वो तो मेरे ख्याल से 20-25 दिन का काम हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली यही है, बस मैं एक ही काम करूँगा प्लस टू में आके, मास को चार्ज बोल दूंगा बस, और फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलूँगा। आप प्लस टू में कहोगे यार ये क्या है यार, तो बहुत आसान लग रही है मेरे को, मैं बता रहा हूँ आपको, ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है प्लस वन में, प्लस टू के अंदर दिक्कतें नहीं है इस टाइप की, अगर कॉन्सेप्ट देखो क्लियर दिख रहा है, सही बोल रहा हूँ ना। अब जिसका ई अभी निकालना आ गया स्टूडेंट को, यार उसके लिए प्लस टू है ही कुछ नहीं, उसमें 1.5 महीना निकालना ही है, 1.5 महीना 1 महीना सिर्फ ई निकालते रहोगे, कुछ करना ही नहीं है, तो मतलब इतना हो जाओगे कि ये क्या है यार। मैंने बोला था आपको 40% डाउन फील होगा आपको लेवल में, वो ये तो है ही नहीं, शुरू शुरू में स्टार्ट होती है तो ऐसा लगता है। और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वेक्टर का, ई निकालने का, वी, आज का लेक्चर प्लस टू का पहला लेक्चर का बेस है, बस मैंने बोल दिया आज का लेक्चर बिल्कुल, तभी लिखवा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं, आराम आराम से लेक्चर ले रहा हूँ आज मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने मतलब, तुम प्लस टू में जब होगे तुम्हें याद रहेगा कि हाँ यार ये तो सही है, मतलब आपको ईजी लगेगी और जल्दी पिक करोगे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो मतलब मेरी तरफ से आज तुमने ये लेक्चर सुन लिया ना, तुमने आज प्लस टू शुरू कर रही है कि इसको शौक चढ़ गया, तो मेरे से प्लस टू का आईडी ले लो, तुम्हें गारंटेड प्लस टू समझ में आ जाएगी, कम से कम पहले 2 चैप्टर तो उड़ा ही दोगे आज प्लस टू के पक्का, सिर्फ आज के लेक्चर से। अब इससे ऊपर स्टेटमेंट नहीं है मेरे पास, 15 दिन का कैंप क्या, 15 दिन अहेड हो जाओगे, और सुनो इससे ऊपर कुछ स्टेटमेंट नहीं है मेरे पास, और क्या चाहिए बताओ। ठीक, तभी मैं आराम आराम से, कोई पंगा ले नहीं रहा, बड़े प्यार प्यार से मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखवा भी रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा एफर्ट काम आएगा। ठीक ठीक है, नहीं तो अब तक तो मैं कब का स्कैम से निकाल चुका होता अगर कोई बेकार सी चीज़ होती तो। ठीक, तो करें स्टार्ट नेक्स्ट। अब ई की अगली कहानी सुनो, ये लो ये कर लो, ये रहा आपका एक मास एम, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका ए, ये मास एम, और ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस से मान लो आर डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है जहाँ पे मुझे नेट ई बताना है, ये क्वेश्चन है, और ये भी बताना है लेफ्ट होगा कि राइट होगा, ये क्वेश्चन है लेफ्ट होगा या राइट होगा। अच्छा ये बताओ, जहाँ ई निकालना है वहाँ मास कितना रखना है? 1। कौन लगाएगा ई? पड़ोस के मास से, पहले पड़ोस से पूछो तू कितना ई लगाएगा, कहेगा देखो मैं तो इसे क्या करूँगा अट्रैक्ट, तो ई की वैल्यू इसकी क्या होगी? जी एम बाई डिस्टेंस बोलो इनके बीच में कितना है, अगर ये आर है ये ए है तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, सही है, डिस्टेंस ले लिया और ई की वैल्यू निकाल ली, क्लियर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ये मास दूसरा पड़ोसी है, ये भी तो लगाएगा ई, ये भी, ये जो मास है ये भी इसे क्या करेगा अट्रैक्ट, दिस वैल्यू ऑफ ई टू, बोलो ई टू क्या है? जी इंटू एम बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ये आर है ये ए है, तो क्या बना? आर प्लस ए, तो नेट ई की वैल्यू क्या होगी? ई वन प्लस ई टू, वैल्यूज को पुट कर लेना और नेट आंसर कहाँ आएगा? टूवर्ड्स लेफ्ट, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, ये तो मज़ेदार है, ग्रेविटेशन तो ठीक है फिलहाल, अभी पी वाई क्यों नहीं आया ना, तो अभी ठीक लग रहा है, वैसे ओवरऑल ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, मतलब तुम अंदाज़ा लगा लो के लिए 2 लेक्चर में ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, हो जाएगा। हाँ तो 2 लेक्चर मिड पॉइंट से आगे निकल चुके हैं हम यार, तो बड़ा चैप्टर थोड़ी ना है कोई, ये 2 नहीं 3 लगा लो बस, इससे ऊपर नहीं है, 3 लेक्चर लगा लो, चलो खुला लगा लो, पी वाई क्यू भी क्लास में करा दिए और बोलो, मेरे को लगता है हो जाएगा। देखो ऐसा है, बेस बिल्डिंग आज हो जाएगी,
अगले लेक्चर में थोड़ा सा एक लेवल ऊपर उठा दें। आज ना पॉइंट मास पे खेल रहे हैं, आज हमने रिंग डिस्क कुछ भी नहीं लिया, नेक्स्ट लेक्चर में मासेस चेंज कर देंगे, रॉड रिंग डिस्क इस पे खेलेंगे। वो थोड़ा सा एक जब ये क्लियर है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। तो आज बेसिक्स के ऊपर काम है, एक बार जब बेस बन गया फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर फटाफट काम हो जाता है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, आज के लेक्चर में काफ़ी मेजर चीज़ें खत्म होने वाली हैं, और अगली बार एक लेवल और उठेगा, नेक्स्ट टाइम और लगा लो, एक लेक्चर और खुला लगाओ, मैं कहता हूँ तीन लेक्चर और लगाओ और बोलो मंडे तक लगाओ। तो मेरे को लगता है यार तो तीन लेक्चर में तो बहुत है यार, हो जाना चाहिए मेरे को लगता है। तो चलो शुक्र है, मतलब अभी शुरू हुआ था खत्म ही होने, अब तुम्हें अजीब लगता है ना, तुम्हें रोटेशनल वर्क पार कर लिए, तुम्हें आदत है कि एक बार शुरू हुआ तो 1.5 महीने बाद खत्म होगा, उसकी आदत पड़ी हुई है, तुम्हें अजीब लगता है अच्छा यार अभी तो शुरू हुआ था। चलो ठीक है, अगले चैप्टर तो इससे भी छोटे हैं वैसे, खुशी की बात है, वो तो प्रेशर आज स्टार्ट होगा, दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा, तीन लेक्चर में खत्म हो जाएगा, लास्ट की सीरीज दो लेक्चर में खत्म है, मतलब ये स्पीड स्पीड भी नहीं कहूँगा, चैप्टर की लेंथ ही छोटी है, टॉपिक ही तीन है टोटल और बोलो। तो मतलब इस तरीके से अब थोड़ा चलेगा, लेकिन आपको ना ऑब्जेक्टिव में प्रैक्टिस में टाइम लगेगा, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस में ना फिजिक्स वालों को ना प्लस वन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, थ्योरी इतनी सी होती है वो न्यूमेरिकल इतने बड़े खोल के बैठ जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। ये क्लियर है यहाँ तक, नेक्स्ट रिजल्ट लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो हमने रिंग डिस्क करनी है, फिर भी इमेजिन करो ये एक रिंग है, रिंग में मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको ये बताना है सेंटर के ऊपर ई क्या होगा, नेट क्वेश्चन है, सेंटर के ऊपर ई क्या होगा, आप बस मुझे ये बताओ, रिंग के ऊपर मास डीएम 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 बराबर है, अगर मैं एक मास यहां लेता हूं और डायमेट्रिकली ऑपोजिट लेता हूं, जहां ई निकालना है वहां वन, ये मास इस मास को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ई कहां लगाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, फिर ये मास भी इसे अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ई कहां लगाएगा, टुवर्ड्स राइट, और दोनों बराबर लगाएंगे, इक्विडिस्टेंट है, तो ई से ई कैंसल। अच्छा और एलिमेंट लूं, ये एलिमेंट ले लो, एक ये ले लो, तो ये एलिमेंट यहां खींचेगा इस वन को, ये एलिमेंट यहां खींचेगा, नेट आंसर, तो फिर नेट आंसर रिंग के सेंटर पे याद रखना नेट ई क्या होता है, जीरो। तो किसी भी रिंग के सेंटर पे ई जीरो होता है, आप उसमें कैंसिल करके सारे, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ठीक, कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट है, सपोज करो आपके पास एक रिंग है, एग्जांपल है रिंग है, रिंग का सेंटर है, तुमने क्या किया, ये एलिमेंट डीएम है और जिसकी दूरी यहां से आर है, आर है, तुमने ये काट दिया और काट के फेंक दिया, बस थोड़ा सा एलिमेंट काट के फेंक दिया, बताओ रिमेनिंग पोर्शन का ई क्या है सेंटर पे, क्वेश्चन है, बची हुई रिंग तो ई लगाएगी, तो क्या लगाएगी, ये क्वेश्चन है, और कहां लगाएगी, ये भी क्वेश्चन है, क्या लगाएगी और कहां लगाएगी, ये रिंग है, रिंग का एक छोटा सा पोर्शन है, काट के फेंक दिया, आपको बताने की बची हुई रिंग क्या ई लगाएगी, जी डीएम बाय आर स्क्वायर, कहा लेफ्ट की राइट, लेफ्ट, देखो पहले अपने मन में इमेजिन करो एक मिनट कि अगर कोई एलिमेंट यहां लिया जाएगा तो जहां आपको ई निकालना है वन ले लें, तो ये से अट्रैक्ट करेगा, ये से अट्रैक्ट करेगा, ये तो क्या हो गया कैंसल, सारे कैंसिल हो जाएंगे, एक कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि जो इसके ऑपोजिट होगा वो क्या करेगा, इसे जो डीएम यहां पर होगा वो इसे क्या करेगा, ई लगाएगा, कितना लगाएगा, जी डीएम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर ई लगाएगा इस तरफ, पर ये तो कट के फेंक दिया हमने, इसको अट्रैक्ट करने वाला कोई वेक्टर होगा नहीं, बाकी सारे कैंसल हो गए, बस यही आंसर है टुवर्ड्स लेफ्ट आंसर,
बाकी तो कैंसिल हो गए, बस आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसका? ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, राइट ओके। तो ई का कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है, बिना वेक्टर के सॉल्व मत कर देना, पक्का क्वेश्चन गलत कर बैठोगे अगर ई कर दिया तो। ओरली तो मतलब क्वेश्चन आज ऑब्जेक्टिव में थोड़ा दिखेगा, ऑब्जेक्टिव में तो बड़े प्यारे से ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी मार्क कर लो, जी एम बाई ए स्क्वायर, जी एम बाई रूट टू ए स्क्वायर, पता ही लगेगा। ये तो उसको पता है जो करके आया कि भाई ये बिना पेन के ऐसे उरल नहीं होना, ये तो करना पड़ेगा। तीसरा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तीसरा एग्जांपल, मतलब ये पहले था फोर्स, फिर था फील्ड, अब है एनर्जी। और हमने ये फॉर्मूला किया हुआ है जहां पर दो मासेज हैं एम वन एंड एम टू सेपरेटेड बाय आर, तो सिस्टम की एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बोलो? माइनस जी एम एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर। ये क्या था? सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, लिख लो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ओ चार्जेस नहीं मासेस, सॉरी मैं एक तो स्टैट्स याद आ गया, सिस्टम ऑफ टू मासेस, वो एक्चुअली एक ही बात है ना, वो चैप्टर दोनों एक जैसे तो कॉपी कर रहा हूँ, चार्ज मास मास चार्ज याद ही नहीं आता, तो मासेस। मैं सच्ची कह रहा हूँ, अगर प्लस टू करवानी हो तो बस ये मास की जगह चार्ज बोलना, बिल्कुल सेम है। कोई मैं कहता हूँ मेरी बुकलेट चेक कर लो, बस बस ये कैसे बताएंगे तो बच्चे को पता लगेगा कि मैं प्लस वन में कितना नुकसान करके आया हूँ अपना सिर्फ नुकसान करके आया हूँ, मैं कुछ नहीं करके आया, और मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था एंड में जब पता लगेगा। पर अनफॉर्चुनेटली जब पता लगेगा, आंखें खुलेंगी तो पता लगेगा यार, अच्छा 60 दिन बाद तो पेपर है मेरा मेंस और नीट का, अब मैं क्या करूं? तो भाई वो मेरे पास आएगा, वो बहुत बच्चे आते हैं, अब क्या करें 60 दिन है। अब मैंने कहा 60 दिन में जो कर सकता तू कर ले भाई, और मैं क्या करूं? जब कहते थे तब तो किया नहीं, अब 60 दिन रह गया, अब याद आ गई, टाइम प्रॉब्लम हो जाएगी। अब उसको लगता है मैं कर तो लूंगा पर लेकिन टाइम निकल गया। जब इलेक्ट्रोस्टैट समझ में आ जाएगा प्लस टू में तो याद आएगा ये ग्रेविटेशन वैसे ही था, अब प्रॉब्लम ये है कि ग्रेविटेशन पढ़ने का टाइम ही नहीं है। तो ग्रेविटेशन सही पढ़ लो, इलेक्ट्रोस्टैट्स अपने आप तेज़ निकलेगा और प्लस टू तेज़ निकलेगी। प्लस टू का कोर्स तो खत्म होने वाला है, प्लस टू वालों का भी ऑलमोस्ट 10 दिन में, जो तुम्हें एक साल में करवाना है, तुम अभी 60-50% सिलेबस पे चल रहे हो, 60 पे वो 90% प्लस क्रॉस कर चुके हैं, ये चलता है प्लस टू के अंदर, प्लस वन भी करवानी है अभी तो। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये बहुत गोल्डन पीरियड तुम्हारा चल रहा है जिसमें खुले से टाइम मिल रहा है तुम्हें, और प्रैक्टिस का भी खूब टाइम है। हाँ अगले साल तो तेज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना यार, काम तो उतना ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, देखो सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस में काम करो, ये रहा एम वन, ये रहा एम टू, ये रहा एम थ्री, ये लो। तीन मासेस हैं, अब ये दो नहीं है, तीन मासेस हैं इसमें। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन क्या थी लास्ट टाइम की थी? क्या कि जिसकी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इनिशियली उन मासेस को कहाँ एज्यूम करना है? एट इन्फिनिटी। फिर पहले मास को लेके आना है अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन पे, तो वर्क डन आएगा डब्ल्यू वन, पहले वर्क डन तो जीरो ही होता है हमेशा। फिर दूसरे को लेके आते हैं, उसका वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, डेरिवेशन भी की थी इसकी। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कितने मासेस हैं? तीन। अब तीनों के तीनों इनिशियली कहाँ पर पड़े होंगे? एट इन्फिनिटी। तो पहले एम वन को रखा होगा, वर्क डन पहले का तो जीरो होता है, फिर एम टू को रखा, फिर एम थ्री को रखा। देखो यहाँ पे वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू इस, क्योंकि पे तीन मास रखने हैं, उसमें दो मास रखने हैं। अब तुम्हें दो मास रखने की तो एनर्जी आती है, तुम एक काम करो डेरिवेशन मत करो, दो दो करके बात करो। ये बताओ अगर एम वन एम टू रखना होता तो एनर्जी क्या आती? माइनस जी एम वन एम टू बाय आर वन, क्लियर है? अच्छा, अगर एम टू एम थ्री को रखना होता माइनस जी एम टू एम थ्री बाय आर टू।
अच्छा अगर ये भी तो पेयर है, एम थ्री और एम वन को रखना होता तो माइनस जी एम वन एम थ्री बाई आर वन प्लस आर टू। तुमने कुछ नहीं करना, कॉम्बिनेशन लेने दो दो करके, जितने बनते हैं सब ऐड कर दो आंसर। तो पहले ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, आंसर सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस डन, क्लोज, शॉर्टकट सीधा। और सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस ये ही नहीं, सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस ये भी हो सकता है, ये देखो, हाँ ट्राइंगल ऐसे भी हो सकते हैं, एम वन एम टू एंड एम थ्री, ये आर वन टू, ये आर वन थ्री, आर टू थ्री। फिर पेयर लेना है इसमें माइनस जी, पहले एम वन एम टू ले लो, फिर माइनस जी एम टू एम थ्री ले लो, फिर माइनस जी एम थ्री एम वन ले लो, ये ऐड कर दो, मतलब दो दो करके पेयर लेते रहो, आंसर आ जाएगा। क्या है पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी ना करना, पेयर लेते जो आंसर इससे आसान क्या होगा, कुछ भी नहीं, सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस हो गया, स्केलर है ना, ये तो खुशी की बात है, एनर्जी स्केलर है, टेंशन खत्म, ऐड करो घर चलो, वेक्टर बनाना ही नहीं है, तभी तो लोग खुश होते हैं एनर्जी पोटेंशियल कर करके, एनर्जी पोटेंशियल में कुछ करना ही नहीं है, ऐड करिए चलो आंसर। और ई और एफ में तो मतलब उनको लगता है यार क्या मुसीबत है यार, अब कहीं वेक्टर गलत ना बन जाए हमसे, ई और एफ में प्रॉब्लम है, एनर्जी और उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ भी ऐड करिए चलो आंसर। सिस्टम ऑफ फोर चार्जेस, यार मैं कहीं ऐसा ना हो यार, आज कहीं लैक्टोस्टेट्स ही पूरा ना हो जाए मेरे हाथों, ग्रेविटेशन तो मुझे पता नहीं। ठीक है यार चलो ठीक है, सिस्टम ऑफ फोर मासेस, पता लगे घर वाले पूछे क्या पढ़ के आए, कहते जी लैक्टोस्टेट्स। इधर जिस हिसाब से चल रहा हूँ, चार चार्ज बोली जा रहा हूँ, पता लगे कि इलेक्ट्रोस्टेट्स ही पहले हो लिया। देखो वैसे प्लस टू में यही तो है, सेम बिल्कुल डिट्टो सेम है, ये लो एम वन एम टू एम थ्री एम फोर, डिस्टेंसेस ले लो, डिस्टेंस में आर वन टू आर टू थ्री थ्री फोर फोर वन वन थ्री फोर टू। कितने पेयर ऑफ एनर्जीज आएंगी बोलो, टोटल एनर्जी कितनी लें, चार छः, चार की छः, छः छः हुई, डायगनल भी लेनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस जी पहले एम वन एम टू में, उसके बाद माइनस जी एम टू एम थ्री में, उसके बाद माइनस जी एम थ्री एम फोर में, उसके बाद माइनस जी एम फोर एम वन में, उसके बाद दो डायगनल भी लेनी है, माइनस जी एम फोर एम टू में, और उसके बाद माइनस जी एम थ्री एम वन में। ये लो छह पेयर ऑफ एनर्जी लेते जाओ आंसर को, याद तो करना ही नहीं है आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब और एक कमाल की चीज़ देखो, जो अब फिजिक्स चल रही है पुरानी फिजिक्स के वेक्टर वेक्टर यूज करके चल रही है, अंदर अपना फॉर्मूला तो कुछ भी ना है, अंदर तो एनर्जी एनर्जी के फॉर्मूले ही हैं, इसी को घुमा, अब पूरी फिजिक्स ही दो साल ऐसे चलनी है, बस जो रोटेशन मोशन तक हो गया हो गया, उसके बाद इसी को यूज कर करके कर करके आगे बढ़ना है, और कॉन्सेप्ट ये है। क्वेश्चन देखे 12-14 का क्वेश्चन देख, मैंने नहीं देखा, मैंने तो छः भी नहीं देखी पेपर में, मैंने छः भी नहीं देखी, वो तो मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, दो दो में ही काम चल जाना है, दो तीन में ही, तीन से ऊपर तो कहाँ आती हैं, तीन तक तो आती हैं, तीन तक तो आ सकती हैं। ठीक है यहाँ तक, मतलब मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ, जब केस बना ही रहा हूँ फिर चार का भी बना दूँ, ऐसा है, मतलब मैं तो
है मेरे पास 2 मिनट चार उड़ाने के लिए, नहीं होता तो मैं उड़ा देता इसे, ठीक है। अच्छा ये एनर्जी के फॉर्मूलाज हुए हैं अभी, एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखा नहीं अभी। अब एनर्जी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो दो दो करके निकाल ही लेंगे। अगले टाइप की प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसी आती है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कैसी आती है, एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगती है, उसको देखना है। इसमें पहले टाइप की प्रॉब्लम क्या देखते हैं, ठीक करें करें। तो पहले टाइप की प्रॉब्लम है कि सपोज आपको ना अर्थ गिवन होगी, ऐसे बनाते जाएं प्लीज साथ साथ। अर्थ गिवन है ऑफ रेडियस आर, और आर डिस्टेंस ऊपर आर एक ऑब्जेक्ट को उठा के ले गए, कैपिटल आर बहुत बड़ा है, 6400 किलोमीटर ऊपर ले गए। तो आपको निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये क्वेश्चन है पहला टाइप का, ये आएगा। तो आप एक काम करें, सरफेस पे इनिशियल एनर्जी निकाल लें, माइनस जी एम एम बाय आर, फाइनल एनर्जी निकाल लें, माइनस जी एम एम बाय टू आर। चेंज इन एनर्जी निकाल लें, बोलो फाइनल बढ़िया कि इनिशियल, हाँ ऊपर जाने में एनर्जी बढ़ती है तो फाइनल बढ़ी है भाई, ऊपर लेके जा रहा हूं तो बढ़ेगी एनर्जी, सोचना भी क्यों है, तो एनर्जी बढ़ेगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस जी एम एम बाय टू आर, माइनस माइनस जी एम एम बाय आर। तो यहां से सॉल्व कर लेना, जी एम एम ये 1 आएगा, ये हाफ आएगा, आंसर इज जी एम एम डिवाइडेड बाय 2 आर, जी एम एम डिवाइडेड बाय 2 आर, ये आंसर है। ये क्या आ गई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया, बात खत्म। तो इसमें कई बार ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ तक तो ठीक है, कैपिटल जी एम की जगह स्मॉल जी आर स्क्वायर में आंसर आ सकता है। कैपिटल जी एम क्या होता है, स्मॉल जी आर स्क्वायर, ये भी होता है। तो आर से आर कैंसल, एम जी आर बाय टू इज द आंसर, ऐसा ऑप्शन गिवन होता है कभी कभी। वो डिपेंड करता है कि तुम्हें ऑब्जेक्टिव कैपिटल जी में है या स्मॉल जी में, चेक करके देखना पड़ता है। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ये पहले टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तुमने फॉर्मूला लगाना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको क्वेश्चन में ये कहा जाएगा, आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे कहा जाएगा कि अर्थ, बनाते रहो, रेडियस कैपिटल आर, मास कैपिटल एम, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी 3/4 2g बड़ा मास बाय आर। ये मैंने वेलोसिटी दी, क्या बढ़िया वेलोसिटी दिखाई है, ठीक है, ये वेलोसिटी दी, और आपका ऑब्जेक्ट मान लो h डिस्टेंस ऊपर चला गया इस वेलोसिटी को देने से, तो आपको बताना है कि उसकी हाइट क्या अटेन की, ये क्वेश्चन है।
अब कई किलोमीटर की हाइट है, काइनेमेटिक्स मत लगा देना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2g है, जी तो चेंज हो जाएगा किलोमीटर में, वो नहीं लगेगा। इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स नहीं लगा करता, एनर्जी कंजर्वेशन। तो शुरू करते हैं, इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और इस पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक सेम। ठीक है, तो सम ऑफ पोटेंशियल काइनेटिक सेम करें तो बोलो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितनी है, माइनस जी बड़ा मास छोटा मास बाय कैपिटल आर, सरफेस के ऊपर माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर, और काइनेटिक कितनी है, हाफ छोटा मास इनटू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू ये गिवन है, मैं बाद में पुट कर दूंगा, काइनेटिक आ गई हाफ एम वी स्क्वायर, तो पोटेंशियल आ गई, काइनेटिक आ गई। टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक क्या है, जीरो, पोटेंशियल क्या है, माइनस जी एम एम बाई कितना आर प्लस एच, सही है, इक्वेट करें, सेंटर से लीनियर साइड डिस्टेंस, सेंटर से आर प्लस एच है, तो इक्वेट करते हैं, तो इक्वेट करने में क्या आएगा, इक्वेट करने में आएगा माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच, ठीक, इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहां से स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम कैंसल, माइनस जी कैपिटल एम बाय आर प्लस एच, माइनस जी कैपिटल एम बाय आर प्लस हाफ इनटू, बोलो वेलोसिटी क्या गिवन है, 3/4 अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का होल स्क्वायर, राइट, पुट कर लेते हैं, नहीं इसका स्क्वायर भी आएगा यार, इसका भी स्क्वायर है, पूरी की पूरी वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, तो माइनस जी एम आर प्लस एच इज इक्वल टू माइनस जी बड़ा मास बाय आर प्लस हाफ इंटू 9/16 टू जी कैपिटल एम बाय आर, कैपिटल जी एम कैपिटल जी एम कैपिटल जी एम कैंसल, सही, मैथ है फिर खत्म हो गई, तो वेलोसिटी को पुट किया है बस स्क्वेयरिंग करके, तो यहां पे ये पुट कर लिया, तो यहां से क्या आ गया, माइनस आर प्लस एच माइनस आर, टू से टू भी गया, 9/16 आर, जरा प्लीज सॉल्व करना और एच निकालना कितना आ रहा है, यहां से कर लो सॉल्व, कितना आ रहा है, 9/7 आर, तो 9/7 आर बिल्कुल सही है। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि सपोज अगर ये ना आया तो ऐसा आएगा, ये रहा ये अर्थ कैपिटल आर, ये एक बॉडी को मैं ड्रॉप कर रहा हूं, ये बॉडी को मैं ड्रॉप कर रहा हूं, और कितनी हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं, सपोज 2r हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं, तो जब ये हिट करेगी यहाँ की वेलोसिटी क्या है, ये क्वेश्चन बताओ, ये उल्टा क्वेश्चन है, पहले वेलोसिटी से फेंका
और वेलोसिटी विदाउट एनर्जी कंजर्वेशन. तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक सेम कर दे. पोटेंशियल, अभी ऑब्जेक्ट का मास मान लो छोटा एम है, इसका मास बड़ा एम है, तो पोटेंशियल यहां पर क्या आएगी, माइनस जी बड़ा मास छोटा मास बाय आर, और नीचे हिट करते ही काइनेटिक क्या होगी, हाफ एम वी का स्क्वायर. टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक क्या होगी, जीरो. पोटेंशियल क्या है, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय 3R. सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया 3R. ठीक, तो अब इसे इक्वेट कर देते हैं, माइनस जी एम एम बाय 3R माइनस जी एम एम बाय आर हाफ स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर, मास 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 कैंसिल, तो वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू जी एम बाय आर माइनस जी एम बाय 3R. वी स्क्वायर बाय 2 कैपिटल जी एम बाय आर कॉमन 1 माइनस 1 बाय 3 वी स्क्वायर बाय 2 जी कैपिटल एम बाय आर इंटू कितना 2 बाय 3. निकाल लेना यार जो भी आ गया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई के आंसर. समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कैसे करना है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ कहाँ लगेगी, बात समझ में आती है. जितना भी है ठीक है यहाँ तक. ठीक है, नेक्स्ट अर्थ रेडियस आर बनाओ. आर रेडियस है, कैपिटल एम मास है, एक ऑब्जेक्ट को वी वेलोसिटी से फेंक दिया, और वेलोसिटी जो मैंने दी वो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2 जी कैपिटल एम बाय आर दे दी, इतनी वेलोसिटी दी. फिर कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, तो इस वेलोसिटी अब बार बार देख रही होंगे मैं ये वेलोसिटी को यूज करे जा रहा हूँ बार बार, एक खास वैल्यू है. इस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी. अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से इतनी वेलोसिटी दे दो ना, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर भाग जाएगा, आएगा ही नहीं. ये खास वेलोसिटी है, तो ये जो वेलोसिटी है एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं. अब तुम ये देखो, मैंने अपनी बॉडी को वेलोसिटी डबल एस्केप दी, मैं तो कह रहा हूँ सिंगल एस्केप के ऊपर ही भाग जाएगी, भागने का मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस, वापस नहीं आएगी, अर्थ खींच नहीं पाएगी उससे, और यहाँ तो मैं डबल दे रहा हूँ, अब तो पक्का ही वापस नहीं आएगी, बहुत वेलोसिटी मिल गई डबल एस्केप, अब नहीं आएगी वापस. अब जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चली जाएगी, अर्थ के ग्रेविटेशन पुल को क्रॉस किया तो इनफाइनाइट डिस्टेंस स्टार्ट हो गया, वहाँ इसकी बाहर निकलती वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है. उस स्पेस को इंटरस्टीलर स्पेस बोलते हैं, इंटरस्टीलर स्पेस पे वेलोसिटी क्या होगी, तुम्हारे पास कोई तरीका काइनेमेटिक्स तो लगा नहीं सकते इतने किलोमीटर पे, किलोमीटर क्या तो लाखों डिस्टेंस हो गया, तो एनर्जी कंजर्वेशन या ग्रेविटी तो कंजर्वेटिव है, लगा दो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एंड काइनेटिक इक्वेट कर दो. सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या है, माइनस जी एम एम बाय आर, और काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर छोटा मास वी स्क्वायर. इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो. इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो जीरो होती है ना, माइनस जी एम एम बाई इन्फिनिटी जीरो. फोर्स भी जीरो होती है, ई भी जीरो होती है, एनर्जी भी सब जीरो होता है इन्फिनिटी पे, क्योंकि डिनोमिनेटर कैपिटल आर इन्फिनिटी पे, वन बाई इन्फिनिटी जीरो. और यहाँ पे काइनेटिक क्या है, हाफ इंटू एम इंटू वी डैश का स्क्वायर.
इक्वेट कर दो, हाफ इंटू वी डैश स्क्वायर इज माइनस जी एम एम बाई आर हाफ इंटू स्मॉल एम इंटू वेलोसिटी वी। वेलोसिटी वी कितनी है? टू टाइम्स टू जी एम बाई आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ एम वी डैश का स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर हाफ छोटा एम फोर टू जी बड़ा एम बाई आर। तो छोटा एम छोटा एम छोटा एम तो कैंसिल, सॉल्व कर लेना। यहाँ से क्या निकालना है? वी डैश निकाल लेना यार, जो भी आएगा बस आंसर रख दो। मतलब मैं आपको मेथड बता सकता हूँ कि ये तरीके से आंसर आएगा। समझ में आ रहा है करना क्या है? सारा काम काइनेमेटिक्स लग नहीं सकता, फोर्स लग नहीं सकती, तो बचा क्या है? एनर्जी का। आधे प्रॉब्लम के अंदर तो एनर्जी कंजर्वेशन ही है, वही लगाए चलो आंसर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे करना है इसमें? ठीक है, क्या एक पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? सही, ठीक है। तो अब एनर्जी के कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गए। अब लास्ट है, लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये भी बहुत बढ़िया है क्योंकि ये स्केलर है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? अगर ये अर्थ है जिसका मास m है, स्मॉल r डिस्टेंस पे आपको v निकालना है, तो माइनस जी एम बाई आर। लेकिन अगर सरफेस के ऊपर निकालना है तो माइनस जी एम बाई बड़ा आर। जहां पे पोटेंशियल निकालना है वहां पर मास मुझे नहीं चाहिए, वन मास के साथ कर लो, स्केलर क्वांटिटी है। फॉर्मूलाज क्लियर है यहां तक? हर के फॉर्मूले पता होना चाहिए एनर्जी में क्या, और पता लगे आधे टाइम में ना हो मैं फॉर्मूले भूल गया तो फिर किया क्या? तुम चार फॉर्मूले नहीं याद कर पाओगे तो फिर तो तुम्हारे से रॉकेट चला गया नासा से ये स्पेस में, फिर देश क्या तरक्की करेगा यार? यार अगर तुम फॉर्मूले याद कर पाओगे तो यार कौन सा मंगलयान जाएगा? कोई भी ना जाएगा, काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? लो फिर ये बहुत बढ़िया है यार। ये क्यों बढ़िया दिखाता हूं, क्योंकि इसके अंदर जैसे मान लो एक मास है m1, ये a, ये a, एक मास है m2। मान लो मेरे को यहां पे पोटेंशियल निकालना है, नहीं भी गिवन मास तो कोई बात नहीं, मान इसके पड़ोसी लगाएंगे। पहला पड़ोसी क्या लगाएगा? माइनस जी एम वन बाई ए, और दूसरा क्या लगाएगा? माइनस जी एम टू बाई ए। भाई स्केलर है, वेक्टर का चक्कर ही नहीं, ऐड कर दो आंसर। हर कोई अपना अपना कंट्रीब्यूट करेगा ऐड करके, आंसर कुछ करना ही नहीं है। ये मास एम, ये R, ये A, ये A, मुझे पोटेंशियल यहाँ पे निकालना है, क्या होगा? वन रख लो, ये क्वेश्चन है। देखो इसमें ये डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये पड़ोसी मास इसके ऊपर लगाएगा माइनस जी एम बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, मत कर देना बस जी एम बाई आर होता है। और ये भी सेम लगाएगा, जब सेम लगाएगा इस रिजल्ट को टू से मल्टीप्लाई कर दो आंसर। क्या सही तरीका है? ई होता है तो इस टाइम वो थीटा थीटा कॉम्पोनेंट, वी होता है चक्कर ही कोई नहीं, आंसर। स्क्वायर है,
सेंटर पे वी निकालना है क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो पहले एक मास का निकाल लो सेंटर के ऊपर, माइनस जी एम ए बाय रूट टू, बस चारों मास का क्या रहेगा सेम, ऐड कर दो इनटू चार, आंसर क्या बढ़िया तरीका है, वेक्टर का झंझट ही नहीं है, जो एक ने लगाया बाकियों ने सेम लगाया, आंसर समझ में आ रहा है यहाँ तक। ये स्केलर है क्योंकि एनर्जी से बना हुआ है। है कि नहीं सही? ठीक है यहाँ तक? ठीक ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन, रिलेशन बिटवीन ई एंड, नहीं, रिलेशन बिटवीन यू एंड वी, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, लिखो। तो इसके अंदर इमेजिन करो आपके पास एक मास है एम वन, एक मास है M2 और इनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, किसी पॉइंट की नहीं, इन दोनों के मिला के ये इक्वेशन नंबर वन, ये लिखो। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस जी एम वन एम टू बाय आर, ठीक है यहाँ तक? अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, तो कितने लोग बोलते हैं माइनस जी एम वन की एम टू। अच्छा क्या एम टू अपने ही पॉइंट पर पोटेंशियल लगाएगा? चलो मैं मान लेता हूं आपकी बात, हाँ लगाएगा। फॉर्मूला बोलो, माइनस मतलब एम टू खड़ा है उसी पॉइंट पर खड़ा है तो डिस्टेंस क्या है, जीरो, तो माइनस जी एम बाई जीरो नॉट डिफाइंड, तो अलाउड ही नहीं है, एक पॉइंट अपने ऊपर पोटेंशियल लगाता ही नहीं है, खत्म, पड़ोसी लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो भाई इस मास को तो देखना ही नहीं, क्या सिखाया था, उस मास को देखना क्यों है, पड़ोसी से पूछो वही तो लगाएगा। तो कितना लगाएगा, माइनस जी एम वन बाय आर, इक्वेशन नंबर टू। तुम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड कर लो तो तुम्हारे पास आंसर आएगा माइनस जी एम वन एम टू बाय आर डिवाइडेड बाय माइनस जी एम वन बाय आर। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, चेक कर लो, सब कैंसिल हो गया, ये आंसर आएगा, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा तरीका, पोटेंशियल एनर्जी मास इनटू पोटेंशियल। हाँ कर सकते हैं, एनर्जी जो पोटेंशियल है एनर्जी बाय मास है, कर सकते हैं, एक ही बात है, वही की है, थोड़ा लंबा कर दिया, बोल सकते हैं। तो इसमें यूज क्या है इसका, ये देख लो होगा क्या, सपोज तुम्हें किसी क्वेश्चन के अंदर मैं कहूँगा कि यहाँ पर ना 2 kg का मास है, तो वह ठीक है 2 kg का मास है, और मैं कहूँगा कि यहाँ पर भी एक मास है जो मैं तुम्हें बताऊँगा नहीं, डिस्टेंस है नहीं बताऊँगा, और कहूँगा इन दो मासेस की एनर्जी बोलो क्या है, तुम कहोगे मैं एक सिंगल मास एनर्जी कैसे निकालूंगा, मास ने देखो दिया तो है नहीं,
तो मैं तुम्हें एक चीज दूंगा इसकी जगह, जहां पर ये मास पड़ा हुआ है, इसके पड़ोसी ने जो मास छुपाया हुआ है उसने यहां पर पोटेंशियल लगाया हुआ है 10 जूल पर केजी का, कि पोटेंशियल के जो यूनिट्स होते हैं वो एनर्जी बाय मास के होते हैं, जूल पर केजी। तो एनर्जी क्या होगी, क्या सिखाया, मास को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, उसके पोटेंशियल से। तो मास कितना है 2 केजी, पोटेंशियल कितना है 10 जूल पर केजी, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई 20 जूल। तो मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग मासेस वो आपको पोटेंशियल और मास देगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर एक मास एम पड़ा हुआ है जहां का पोटेंशियल वी है, तो मास इंटू पोटेंशियल आपको सिस्टम की एनर्जी देगी। इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर आएगा उसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट है, एनर्जी इज मास इंटू पोटेंशियल नहीं, उसमें पता क्या चलता है, मास की जगह चार्ज इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट वाला, ये फॉर्मूला चलता है। और तुम सोच रहे हो मैं क्यों बता रहा हूं, ये देखो, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और वो 20 वोल्ट पे है, 20 वोल्ट, तो उसके पास एनर्जी पता है कितनी है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से आया हुआ है, ये है कॉन्सेप्ट, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इकट्ठे चलते हुए ये निकालते हैं। तुम याद करते हो ईवी तो एनर्जी के यूनिट होते हैं, ऐसा सिखाते हैं, नहीं होता, वो चार्ज इंटू पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है। जैसे मास इंटू पोटेंशियल एनर्जी है, चार्ज इंटू पोटेंशियल भी एनर्जी है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ऐसा कॉन्सेप्ट है। कम यूज होता है पर यूज हो जाए तो पता तो होगी करना क्या है। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड ई में, इंटेंसिटी में और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है ई और वी में। हमने एफ कर लिया, हमने ई कर लिया, हमने यू कर लिया, हमने वी कर लिया, हम रिलेशन किसका निकालने जा रहे हैं, ई और वी का। इस रिलेशन को करने से पहले पहला पॉइंट ये सीखना पड़ेगा, और सिखाया भी था लास्ट टाइम, क्या कि अगर ये अर्थ है तो, और मैं कहूं कि अगर अर्थ है और ये फोर्स कहां पर एक्ट करेगी, नीचे, फील्ड कहां पे एक्ट करेगा, नीचे, ऐसे होता है ना, फोर्स भी नीचे फील्ड भी नीचे। अब नीचे की तरफ अगर मैं डाउनवर्ड की बात करता हूं, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ आते हुए पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल दोनों के दोनों क्या होते हैं, अपनी वैल्यू को क्या करते हैं, डिक्रीज। ये सीखा था हमने लास्ट टाइम जाते हुए कि अगर हम अर्थ की तरफ आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल भी घटेगा, और डायरेक्शन ई की सेंटर की तरफ है। तो पॉइंट ये है कि जब आप, देखो इसका कॉन्सेप्ट ये है, जब आप, ये इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नीचे आएंगे, ध्यान से, जब आप इलेक्ट्रिक, ओहो, जब आप ग्रेविटेशनल, यार मैं बता रहा हूँ सेम ही रिजल्ट है, जब आप ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में नीचे आएंगे तो आपका पोटेंशियल घटेगा। इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन में सेम ही चलता है, उसमें भी ये बोलते हैं, उसमें भी ये बोलते हैं कि एज यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस, राइट। तो इसमें ई में और वी में एक फॉर्मूला है, ई इज माइनस डीवी बाई डी आर, वेयर ई इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड डीवी बाई डी आर को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। लिखो पोटेंशियल ग्रेडियंट, ई इज माइनस डीवी बाय डी आर, और ई इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, और डीवी बाय डी आर पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड कब यूज करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि पोटेंशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नहीं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है।
वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या बनेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। प्रेशर ग्रेडियंट क्या बनेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, टाइम नहीं डिस्टेंस। तो क्लियर हो गया यहाँ तक, ग्रेडियंट क्लियर है, इसे ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये तो यार लंबी स्टोरी है प्लस टू की, ये तो प्लस टू में ना लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का एक चैप्टर है, वहाँ से निकल के इसका प्रूफ भी है प्लस टू में, तो करना नहीं है, हमने नहीं करना, ई माइनर टी बाई टी यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये फॉर्मूला प्लस टू में आ जाएगा, अपने को चाहिए नहीं अभी। तो ये फॉर्मूला को यूज़ कैसे करना है वो चाहिए हमें। तो मैं ई से वी और वी से ई निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले की हेल्प से। मैं करने जा रहा हूँ एग्जाम्पल्स, कैसे एग्जाम्पल्स आते हैं आपको आइडिया हो जाएगा। ये लो, तो आपका पहला एग्जाम्पल है इसके ऊपर। एग्जाम्पल सपोज आपको क्वेश्चन में ये एक्स एक्सिस गिवन है, सपोज ये x1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है और x2 की वैल्यू यहाँ पर 9 है। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो -3 जूल पर केजी है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू -5 जूल पर केजी है। बनाओ, ये पहला एग्जांपल है इसका फॉर्मूले का कि यूज कैसे करना है फॉर्मूला। तो पहला क्वेश्चन है, इस डायग्राम को देखते हुए बताओ ई की डायरेक्शन कहाँ है, राइट की लेफ्ट? ई वेक्टर कहाँ है, राइट की लेफ्ट? राइट उधर है। क्या रूल लगाया? पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो ई की डायरेक्शन कहाँ मिलती है? जहां आपका पोटेंशियल गिरता है। कहाँ गिर रहा है? -3 से -5 डिक्रीज हो रहा है। बिल्कुल सही, ई वेक्टर कहाँ पर है? टूवर्ड्स राइट। तो जहां गिर रहा है उस तरफ ई वेक्टर ड्रॉ कर दो। तो पहला क्लियर है। अब दूसरा है, इसके अंदर ई की वैल्यू बताओ अब क्या है। तो फॉर्मूला लगाओ, ई इज -dv/dr की जगह dx कर देना, क्योंकि सब कुछ x एक्सिस पे हो रहा है। राइट, क्लियर है यहां तक? अब कैसे लगाना है पहले देख लो, फिर प्लीज एक बार नोट कर लेना। इमेजिन करो आपको दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आप इनिशियल कोऑर्डिनेट से फाइनल की तरफ जा रहे हो, तो ये पोजीशन आपकी कौन सी पोजीशन है? इनिशियल। और ये पोजीशन आपकी कौन सी पोजीशन है? फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल, क्लियर है यहाँ तक? अब उल्टा भी आ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बड़े से छोटा, छोटे से जैसे आना, जहाँ से स्टार्ट हुए इनिशियल, जहाँ चले गए फाइनल। तो ये न्यूमिनेटर देखना क्या पुट करेंगे, -dv का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, 9 माइनस 1 ओ नहीं, तो एक्स पुट कर दिया द्वारा। तो माइनस फाइनल पोटेंशियल कितने हैं? -5 माइनस कितना? -3 और x की वैल्यू में 9 माइनस 1। सॉल्व करना, e कितना आ रहा है, e कितना आ रहा है चेक करो ना, माइनस नहीं आ सकता, नहीं आएगा माइनस, प्लस में आ रहा है। माइनस है, हाँ तो बाहर माइनस, प्लस आएगा पक्का, कितना? 1/4। तो आंसर आ गया ना, ये न्यूटन पर केजी आंसर ई आ गया, और क्या चाहिए? ठीक, समझ में आ रहा है कैसे यूज करना है इसे? -dv/dx की एप्लीकेशन क्या समझ में आ रही है? ठीक है, कैसे लगाना है फॉर्मूला? एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो जिसमें यही फॉर्मूला लगता है लेकिन तरीका अलग है। ये देखो, सपोज आपको क्वेश्चन में अगले एग्जाम्पल में वो कहेगा v की वैल्यू है 4x2 -4x2, फाइंड e। ये तो बहुत आसान है, बोलो क्या लगाएं? e इज -dv/dx, कुछ ना करना इसमें, सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर देना आंसर। माइनस माइनस प्लस है, 4 × x2 की डिफ्रेंशिएशन क्या है? 2x। आंसर क्या है? 8x आंसर। ये सेकंड एग्जाम्पल है। और अगर कहीं क्वेश्चन के अंदर ऐसे आ जाए v इज इक्वल टू -4y2, अब फॉर्मूला क्या लगेगा? e इज इक्वल टू -dv/dy। और ऐसी अगर v की वैल्यू क्या आ जाए? -4z2, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? e इज इक्वल टू -dv/dz पुट कर लोगे। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, इसमें आएगा आई कैप पीछे, इसमें आएगा जे कैप, इसमें आएगा के कैप, अगर वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो।
ठीक है यहाँ तक समझ में आ रहा है यहाँ तक। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये आ जाए v इज इक्वल टू तीनों आ जाए, अब पार्शियल वर्क पर एनर्जी के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम आई थी सेम, तो फॉर्मूला नोट करें। अब E वेक्टर का फॉर्मूला है माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैप, ये फॉर्मूला नोट करें। पार्शियल डेरिवेटिव सिखाऊंगा अभी क्या होता है, ये लो ये फॉर्मूला नोट करें। देखा हुआ है फॉर्मूला है सामने एनर्जी के अंदर वर्क पर एनर्जी में क्या करते थे, एनर्जी और फोर्स के बीच में करते थे। मैं बोलता ना हूँ यार चीज़ें रिपीट होनी है, कुछ करना ही नहीं है। अगर तुम्हारा वो दिखता है तो देखो पार्शियल दिखना शुरू हो गया। अगर तुम्हें सारा चीज़ें क्लियर दिख रही हैं तो करना थोड़ी ना कुछ। कैलकुलस तुम्हें आता है, वेक्टर तुम्हें आता है, पार्शियल तुम्हें आता है, फॉर्मूला ही तो बताना है मुझे इसमें। पूरी प्लस वन प्लस टू ऐसे ही चलना है, बस सिर्फ फॉर्मूला ही बताना है, उसके बाद तो अपने आप वो स्ट्रक्चर सेम चलना है। वेक्टर अपनी जगह ले लेगा, कैलकुलस अपनी जगह ले लेगा, जो काइनेमेटिक्स अपनी जगह लेगा, फोर्स अपनी लेगा, एनर्जी अपनी ले लेगी, होगा काम खत्म। कुछ भी ना करना, बस मेरे को तो बस ये बताना है कि क्या क्या असेंबल करना है एक गाड़ी में। असली जो टास्क था ना रोटेशनल तक बड़ा टास्क था वो बेस बिल्डिंग बोलता ना, बेस बिल्डिंग है एक्चुअल में। तो इसमें कुछ कर ही नहीं रहा मैं, मतलब फॉर्मूले को लगा दिया, फॉर्मूला बता दिया, उसी को यूज करे जा रहा हूँ। देखो तो इसमें क्या करेंगे, ई वैक्टर इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी की जगह एक्स प्लस वाई प्लस जेड आई कैप d by dy of x plus y plus z j cap d by dz of x plus y plus z k cap। e vector is equal to minus, क्या सिखाया था देखो partial में ये होता है, ध्यान से देख लो जिसको नहीं आता। अगर partial with respect to x differentiation करना है तो वो y और z को constant मानता है, तो इसकी differentiation zero हो जाएगी, छोड़ दो। मतलब अगर x के साथ डिफ्रेंसिएशन है तो y और z कांस्टेंट है, अगर y के साथ है x और z कांस्टेंट है, अगर z के साथ है x और y कांस्टेंट है। तो बचा क्या, माइनस सिर्फ dx एक्स बाई डी एक्स आई कैप डी वाई बाई डी वाई जे कैप एंड डी जेड बाई डी जेड के कैप। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आंसर, ये आंसर है ई वेक्टर का। समझ में आ रहा है यहाँ तक, आया हुआ है ये पुराने कॉम्पिटिशन में आता है एक आधा क्वेश्चन ऐसा। वेक्टर सब हाँ हाँ वही है, मेथड यही है। मर्जी है तुम्हें अलग अलग कर लो, तो माइनस में कोई ना कोई चक्कर डालोगी। अभी तो लगा हुआ अच्छे भले से, फिर तुम आधे में लगा दिया आधे में नहीं लगाया आंसर गलत हो जाएगा, बेटर है एक ही ठीक है। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इसमें, ठीक है शुरू किया पी वाई की कुछ। बहुत टफ है, मतलब बंदा पढ़ना शुरू करता है उतने में तो यार ट्यूशन का टाइम ही हो जाता है। बंदा ट्यूशन पढ़ के जाता है उतने में यार थक जाता है, फिर सोचता कल पढ़ूंगा, कल में फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो टेस्ट से जो पढ़ा गया अदरवाइज तो कुछ लोग कर लेते हैं बहुत, उन्हीं को फ़ायदा होगा। देखो खोलो अब बुकलेट, बुकलेट में ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट सारा हो गया था, हमने कुछ किया नहीं था इसमें। ये वाला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्जेस हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोर मासेस ये भी हो गया। नेक्स्ट ये एग्जांपल मैंने आपको दे दिया ई वेक्टर वाला माइनस डी वी बाई डी आर, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको वी पता है और ई निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करके ई आ जाएगा। ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया अगर आपको वी पता है और ई निकालना है तो माइनस डी वी बाई डी वाई कर देना है। फिर ये मैंने बता दिया कि पार्शियल डेरिवेटिव से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ये सारा हो गया। नेक्स्ट जो
जो टॉपिक है उसके अंदर लिख लो यार, ये भी लिख ही लो जब सारा लिखा है। तो एग्जांपल, इस बार मैं आपको ई दूंगा मान लो 4x, और मैं आपसे क्या पूछूंगा, फाइंड वी। उल्टा कर दिया, पहले मैं आपको वी दे रहा था तो ई निकालने के लिए डिफ्रेंसिएशन, अब मैं आपको ई दूंगा वी निकालने के लिए इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूला जब लिखेंगे, ई इज माइनस डी वी बाई डी एक्स में ई की वैल्यू जब 4x पुट करेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वी की वैल्यू माइनस 4x डी एक्स आएगी, और आप जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास v की वैल्यू आएगी माइनस 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस, अगर लिमिट ना लगानी हो तो पीछे क्या लगता है, कांस्टेंट। ये लो, तो पीछे कांस्टेंट आ गया, ये वैल्यू आ गई आंसर। ये लो, ठीक है यहां तक। ठीक है यहाँ तक, नेक्स्ट। अब आ जाओ इस पे, बुकलेट पे। अगर ई पता है और वी निकालना है तो क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। वी पता है, ई निकालना है तो क्या करनी पड़ेगी, डिफ्रेंसिएशन। लेकिन एक पॉइंट है, वो आपसे ई पूछ रहा है लेकिन ये भी पूछ रहा है कि एक्स इक्वल टू पी पे निकालो, पहले मत वैल्यू पुट कर देना एक्स की, पहले ई तो निकालो। तो पहले इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। कैसे, यू बाई वी का फॉर्मूला, तो डिफरेंशिएट कर लेंगे यू बाई वी का फॉर्मूला। डिफरेंशिएट करके जो आंसर आएगा उसमें एक्स को पी पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। कैलकुलस तो आता है ना सबको, यू बाई वी का फॉर्मूला एज्यूम कर लूं, हो जाएगा ये। पी वाई क्यू में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, जैसे ये भी मिलता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये देखो, ये देखो, इधर इधर अभिमन्यु, ये देखो, अगर ई पता है और वी निकालना है, लेकिन एक स्टेटमेंट हमेशा गिवन होती है बहुत क्वेश्चन में, एज्यूमिंग दैट पोटेंशियल इज जीरो एट इन्फिनिटी। वो तो मुझे पहले ही पता है पोटेंशियल जीरो होता है इन्फिनिटी पे, सब कुछ जीरो होता है। ये इसलिए दी जाती है ताकि आप लिमिट लगा सको। देखो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ई की वैल्यू पुट करें, ध्यान से लिमिट देखना। वो कह रहा है पोटेंशियल निकालो एक्स डिस्टेंस पे, ध्यान से देखना, जब डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल की लिमिट जीरो है, और जब डिस्टेंस x है तो पोटेंशियल v है। तो ये v आ गया, इसे इंटीग्रेट कर लो, आंसर। बाकी तो इंटीग्रेशन तो सिंपल है, इसकी इंटीग्रेशन कर लेना, माइनस माइनस कैंसिल। माइनस माइनस कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, 1 बाई इन्फिनिटी जीरो होता है आंसर। ठीक है यहां तक, ठीक है। नीचे आओ, नीचे पेज पलटते जाओ। देखो इसके अंदर सैटेलाइट एंड प्लैनेटरी मोशन में, बस आखिरी टॉपिक से इसे क्लोज करते हैं। टीवी देख रही है, अच्छा ठीक है।
यार एक ही तो ऑनलाइन बच्चा है यार, वो भी यार बता यार म्यूजिक सुनने जा रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, देखो इसमें इसमें क्या है, सेट एंड प्लानिटरी मोशन में अगर एक सेटेलाइट को लॉन्च करना है तो एक हाइट पे जाके वी वेलोसिटी दो, और अगर हाइट कम रह जाए तो ये ना नीचे ज़मीन पे गिर जाएगी, और वेलोसिटी कम रह जाए तो भी नीचे गिर जाएगी। तो ठीक वेलोसिटी पे ठीक वेलोसिटी दो, हाइट पे जाके वेलोसिटी दो, तो ये एज ए ट्रैक में पड़ जाएगी। तो मान लो आपकी सेटेलाइट आपने एच डिस्टेंस पे लॉन्च की, तो एच डिस्टेंस पे वेलोसिटी वी दे दी आपने और फिर घूमना शुरू कर दिया, तो घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रिपेटल। अब डिस्टेंस क्या है सेंटर से, आर प्लस एच, तो कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रिपेटल, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल का पुल क्या है, जी एम एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ग्रेविटेशन है। और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रिपेटल टू द सेटेलाइट, तो सेटेलाइट का मास एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एच, कट गया, वेलोसिटी आ गई। इस वेलोसिटी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटे घूमने की वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। नेक्स्ट है, तुम कैपिटल जी एम को स्मॉल जी आर स्क्वायर भी पुट कर सकते हो, तो ये भी ऑर्बिटल वेलोसिटी। तुम ये भी कर सकते हो, अगर सेटेलाइट बहुत नजदीक है सरफेस ऑफ अर्थ के तो एच को जीरो पुट कर लो। तो जब तुम यहां पर एच को जीरो पुट करोगे तो तुम्हारे पास मतलब एच इज वेरी स्मॉल, 200-400 किलोमीटर है, जबकि कैपिटल आर तो बहुत बड़ा है, तो निगलेक्ट कर दो। निगलेक्ट करके ये आंसर आएगा, या यहां से ये आंसर आएगा, ये दोनों फॉर्मूलाज हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम करना चाहिए, लंबी कहानी हो जाएगी, टेस्ट भी है, तो आप अपना इसमें टेस्ट कर लो अपना, या नया चैप्टर बाद में, नहीं चैप्टर नहीं है वो, तो टाइम बचा था तो मैंने करवा दिया, वैसे ही करना नहीं है अभी। एस्केप दे दें और छुट्टी, मुझे नहीं पता इनफाइनाइट यूनिवर्स में कहाँ जाएगी, जा सकती है, किसी के ग्रेविटेशनल पुल में आएगी तो खींच ही लेगा, जुपिटर जुपिटर जो भी है मार्स।